हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर 25 ऑक्सीटरी सिस्टम ऑफ वुमन जिसे हिंदी में कहेंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र में टॉपिक ऑक्सीटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे, यानी उत्सर्जन तंत्र का। सो टॉपिक इज ऑक्सीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन हिंदी में कहेंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र स्टूडेंट्स प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने उत्सर्जन उत्सर्जन अंग वह उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन किया था, यानी उनकी डेफिनेशंस का अध्ययन किया था। उत्सर्जन सामान्यतः है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहते हैं। वंस अगेन, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। सेकंड, उत्सर्जन अंग की हम बात करें कि मानव देह के वे अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करते हैं या सहायता देते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। ये उत्सर्जी अंग मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, उसे उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। तो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है वो उत्सर्जन अंगों से मिलकर बना है, ये बोल सकते हैं। मानव का उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जी अंगों से मिलकर बना है। इन उत्सर्जी अंगों की मानव में दो स्थितियां हैं। अगर हम देखें ऑक्सीटरी ऑर्गन्स उत्सर्जी अंग दो प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट है मानव में मैन और प्राइमरी ऑक्सीटरी ऑर्गन, हिंदी में कहेंगे मुख्य या प्राथमिक उत्सर्जन अंग, मुख्य या प्राथमिक उत्सर्जन अंग। सेकंड है एक्सेसरी ऑक्सीटरी ऑर्गन, सहायक उत्सर्जन अंग प्राथमिक या मुख्य उत्सर्जन अंग वे होते हैं जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो कि मानव में यूरिया है उसको ब्लड से फिल्टर करने का कार्य करते हैं, न कि संश्लेषण करते हैं, उसे प्राथमिक उत्सर्जन अंग कहते हैं। ये फिल्टर नहीं करते हैं परंतु अस्थायी रूप से कहीं उसका संग्रहण होता है या निष्कासन में हेल्प करते हैं केवल। ये ब्लड से फिल्टर करने का कार्य करते हैं इसलिए प्राथमिक उत्सर्जन, ये निष्कासन में हेल्प करते हैं। कुछ अंगों में जैसे यूरिनरी ब्लेडर में अस्थायी रूप से संग्रहण भी होता है। इसमें है किडनी,
मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग है किडनी, सहायक उत्सर्जन अंग के रूप में है यूरेटर, इन्हें बोलेंगे यूरिन वाहिनियां या मूत्र वाहिनियां। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लेडर, इसे कहेंगे मूत्राशय। थर्ड है यूरेथ्रा, जिसे कहेंगे यूरिन मार्ग यानी मूत्र मार्ग। ये मानव में एसेसरी या सहायक उत्सर्जन अंग है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्राथमिक या मुख्य उत्सर्जन अंग जो कि किडनी है मनुष्य में। इससे पहले मानव का उत्सर्जन तंत्र, उसका फिगर का अध्ययन हम करेंगे। स्टूडेंट्स, मानव का जो उत्सर्जन तंत्र का जो फिगर है ये 2019 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव के उत्सर्जन तंत्र का आरेख ही निरूपण कीजिए। अगर हम देखें मानव में उत्सर्जन अंग के रूप में दो किडनी उपस्थित होती हैं, फर्स्ट ये राजमा शेप होती हैं या बीन शेप होती हैं, ये सेकंड किडनी है अगर हम दोनों में अंतर देखें, वंस अगेन देखो मुख्य अंतर हम देखें, ये है लेफ्ट साइड में, इसलिए इसको बोलेंगे लेफ्ट किडनी, ये राइट में है इसलिए इसे बोलेंगे राइट किडनी। यहाँ राइट किडनी के ऊपर यहाँ लीवर उपस्थित होता है, अतः मानव में जो राइट किडनी पाई जाती है वो लेफ्ट की तुलना में कुछ नीचे स्थित होती है। उसका रीजन है राइट किडनी के ऊपर मानव में लीवर की उपस्थिति होती है, लीवर पाया जाता है। ये तो है मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग के रूप में। नेक्स्ट है मानव में अब है सहायक उत्सर्जन अंग, जैसे ये है यूरिनरी ब्लेडर। मानव में एक ब्लेडर नुमा संरचना उपस्थित होती है, ये है यूरिनरी ब्लेडर। जिसे कहेंगे मूत्राशय, ये है यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। नेक्स्ट है यूरेटर यानी यूरिन वाहिनियां, मूत्र वाहिनियां, ये है यूरिन वाहिनियां। कहां से? किडनी से यूरिनरी ब्लेडर तक जुड़ी रहती हैं। ये हैं यूरेटर्स या यूरेटर, इसे बोलेंगे मूत्र वाहिनी। ये सामान्यतः जो यहाँ ब्लड लेकर जाती है उसको रीनल आर्टरी बोलते हैं। जो वापस ब्लड लेकर आती है यानी CO2 जनित ब्लड जो लेकर आती है वो होती है सामान्यतः रीनल वेन। ये है रीनल आर्टरी, किडनी के लिए रीनल वर्ड काम में लेते हैं, ध्यान रखना है। ये है रीनल वेन, वृक्कीय धमनी, वृक्कीय सिरा बोलेंगे हिंदी में, दोनों जुड़ी रहती हैं यहाँ से। अगर हम इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करें, यहाँ
ये संरचना पाई जाती है पिरामिड लाइक। ये वाला पार्ट है, ये उपस्थित पाई जाती है एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड बाह्य आवरण इसको बोलते हैं, पेरिटोनियम, ये अंदर संरचना इनको बोलते हैं पिरामिड्स। यहाँ गड्ढानुमा संरचना पाई जाती है, यहाँ भी ये जो गड्ढा है, यहाँ भी जो अंदर की ओर गड्ढा है, इस गड्ढे को बोलेंगे हाइलम। ये शब्द ध्यान में रखना है। किडनी की या दोनों किडनियों में या प्रत्येक किडनी की आंतरिक सतह पर एक अवतल संरचना के रूप में गड्ढा पाया जाता है जिसे हाइलम कहते हैं। इस हाइलम से ही यूरेटर अंदर प्रवेश करती है, इसी हाइलम से रीनल आर्टरी व रीनल वेन अंदर प्रवेश करती हैं, उस संरचना को हाइलम कहते हैं या हिंदी में इसे बोलते हैं वृक्क नाभि। कौन कौन सी संरचनाएँ, यूरिन वाहिनी भी यहीं से प्रवेश करती हैं, रीनल आर्टरी व रीनल वेन भी दोनों में यहीं से प्रवेश करती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें लिम्फ वेसल्स भी, लिम्फ वेसल्स ये दोनों ब्लड वेसल्स, यूरेटर, नर्व्स सभी इसी के माध्यम से अंदर प्रवेश करती हैं। वंस अगेन, फर्स्ट किडनी वन टू वन जोड़ी होती हैं। दूसरा है स्थिति वर्टिपल कॉलम के दोनों ओर पाई जाती हैं, कशेरुक दंड के दोनों ओर उपस्थित होती हैं। कहाँ, उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर। इसमें ध्यान रखना है एक राइट साइड में उसे राइट किडनी कह देंगे, दूसरी लेफ्ट साइड में उसे लेफ्ट किडनी कह देंगे। जो राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी की तुलना में कुछ नीचे स्थित होती है क्योंकि यहाँ लीवर की उपस्थिति होती है, लीवर की उपस्थिति के कारण ये नीचे की ओर पाई जाती है। नेक्स्ट है किडनी पर एक बाह्य आवरण पाया जाता है संयोजी ऊतक का, उसे पेरिटोनियम कहते हैं, ध्यान रखना है। आंतरिक सतह पर बाह्य सतह वो इसकी होती है कॉन्वेक्स उत्तल शेप की, वह आंतरिक सतह होती है अवतल, ये उत्तल ये अवतल। उत्तल सतह पर एक खांच पाई जाती है, गड्ढा पाया जाता है जिसे हाइलम कहते हैं, यहीं से ब्लड वेसल्स, यूरेटर्स व लिम्फ वेसल्स प्रवेश करती हैं। अंदर पिरामिड नुमा संरचना पाई जाती है जिसे रीनल पिरामिड कहते हैं। इसका पेरीफेरल पार्ट है ये तो कहलाता है कोर्टेक्स, बीच वाला पार्ट कहलाता है मेडुला, यानी दो पार्ट हैं कोर्टेक्स व मेडुला। अब एसेसरी के रूप में देखें, एसेसरी के रूप में यूरेटर, संख्या देखो वन टू एक जोड़ी होती हैं, किस आकार की हैं, नलिका नुमा संरचनाएँ होती हैं। स्थिति कहाँ है, किडनी व यूरिनरी ब्लेडर के मध्य स्थित होती हैं। वंस अगेन, संख्या यूरिन वाहिनी में है एक जोड़ी, स्थिति किडनी व यूरिनरी ब्लेडर के मध्य। कार्य क्या है, यहाँ से जो यूरिन फिल्टर होकर आ रहा है उसको यूरिनरी ब्लेडर तक पहुँचाना। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लेडर, एक होता है मस्कुलर संरचना है ये, मुख्यतः तीन स्तर पाए जाते हैं इसमें, आउटर सिरोसा, मध्य अरेखित, आंतरिक है वो श्लेष्मीय होता है। सिरोसा अरेखित पेशी स्तर सेकंड, तीसरा श्लेष्मी स्तर। एक स्वस्थ मनुष्य में यहाँ अवरोधनी पाई जाती है, जिस अवरोधनी के ओपन होने से ही यूरिन का निष्कासन होता है, 700 से 800 ml यूरिन का संग्रहण होता है। नेक्स्ट है यूरेथ्रा, ये भी सहायक उत्सर्जन अंग है, यहाँ से यूरिन का निष्कासन होता है, ध्यान रखना। वंस अगेन, यूरिनरी ब्लेडर सहायक उत्सर्जन अंग है। दूसरा है, तीन स्तर होते हैं सिरोसा, पेशीय स्तर व श्लेष्मीय स्तर। अगर हम इसमें अवरोधनी भी पाई जाती हैं, इसमें कार्य इसका यूरिन का स्थायी रूप से संग्रहण करना, वो भी लगभग 700 से 800 ml। नेक्स्ट है यूरेथ्रा, ये भी सहायक उत्सर्जन अंग है, मूत्र मार्ग बोलते हैं, इससे यूरिन का निष्कासन होता है देह से। दूसरा है यहाँ भी अवरोधनी पाई जाती है, उस अवरोधनी को वो पेशियों से मिलकर बनी है इसलिए उसको अवरोधनी पेशी कहते हैं। सामान्यतः अगर हम देखें मानव में ये यूरिन मार्ग की लंबाई अधिक होती है, ये नर मनुष्य में, मादा मनुष्य में इसकी लंबाई कम होती है। तो ये फिगर है ह्यूमन एक्सिट्री सिस्टम, रीनल का आप अकेले को कुछ लार्ज इन साइज ड्रा कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट है इसमें।
अगर हम देखें किडनी, क्या है मुख्य उत्सर्जन अंग, प्राथमिक उत्सर्जन अंग। संख्या फर्स्ट अभी ड्रा किया हमने, एक जोड़ी होती है यानी दो है। दूसरा है स्थिति, देह में कहाँ पाया जाता है, कहाँ स्थित है, लोकेशन बोल सकते हैं या पोजीशन बोल सकते हैं। ये है उदर गुहा के पृष्ठ भाग में, मनुष्य का आगे का पार्ट है वो वेंट्रली, पीछे का पार्ट है वो पृष्ठ भाग में, कशेरुक दंड के दोनों ओर, कशेरुक दंड के दोनों ओर ये स्थिति है। उदर गुहा में पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होती है। नेक्स्ट है उत्पत्ति, ओरिजिन, कंप्लीट मानव का जो उत्सर्जन अंग है यूरिनरी ब्लेडर को छोड़कर, मूत्राशय की उत्पत्ति एंडोड्रम से होती है और इसकी उत्पत्ति होती है मेजोड्रम से। नेक्स्ट है टाइप, प्रकार, ध्यान रखना है तीन प्रकार की किडनी होती है। फर्स्ट है प्रोनेफ्रिक, नेक्स्ट है मीजोनेफ्रिक, थर्ड है मेटानेफ्रिक। ये तो कुछ यूरोकोडेटा सेफेलोकोडेटा के जीवों में पाई जाती है, ये पीसी जो है एम्फीबिया के जीवों में, ये राम में उपस्थित होती है, रेप्टिलिया एवी जो मेमल्स, तो मानव में इस प्रकार की है। टाइप है मेटानेफ्रिक, सबसे विकसित प्रकार की है उसको बोलते हैं मेटानेफ्रिक। इनमें सबसे जो लेस डेवलप है, सबसे कम विकसित है वो प्रोनेफ्रोज है। नेक्स्ट है आवरण, किडनी के चारों जो आवरण पाया जाता है उस आवरण को बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम पूछा जा सकता है, पेरिटोनियम क्या है, किडनी के चारों ओर संयोजी उत्तक आवरण पाया जाता है उसे ये कहते हैं। इसमें अगर हम देखें नेक्स्ट, देखो आकृति भी पूछी जा सकती है कि किस शेप में है ये आकृति, सेम के बीज जैसी। वजन भी पूछा जा सकता है यानी भार कितना होता है इसका, वेट ये भी ध्यान में रखना, 120 से 170 ग्राम। सेम के बीज जैसी होती है आकार में, 120 से 70 ग्राम, उत्पत्ति मेजोड्रम से, टाइप मेटानेफ्रिक और बाहर संयोजी उत्तक आवरण पाया जाता है उसे बोलते हैं पेरिटोनियम या झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, ये बोल सकते हैं झिल्ली नुमा आवरण। नेक्स्ट है बाह्य सतह, कॉन्वेक्स उत्तल जो लेंस आपने पढ़े, आंतरिक सतह कॉनकेव अवतल। नेक्स्ट इसमें मुख्य बिंदु अब हाइलम, ये पूछा जा सकता है हाइलम क्या है, आंतरिक सतह पर, ये आंतरिक सतह यहां ये जो गड्ढा है उसे बोलेंगे हाइलम, ये बोल सकते हैं प्रत्येक किडनी की अवतल सतह, आंतरिक सतह को कहते हैं अवतल सतह पर एक गड्ढे जैसी रचना होती है जिसे
हाइलम कहते हैं। देखो नेक्स्ट, हाइलम पार्ट से ही यूरेटर, यूरिन वाइनिया बोलेंगे हिंदी में, ब्लड वेसल्स यानी रीनल आर्टरी, रीनल वेन, वृक्कीय धमनी, वृक्कीय सिराएं, लिम्फ वेसल्स, लसिका वाहिनियां व नर्व्स प्रवेश करती हैं। स्थिति ध्यान में रखनी है, स्थिति कौन सी? दाहिनी कुछ नीचे की ओर होती है। ये स्थिति नहीं लिखी है मैंने क्योंकि यहां लीवर की उपस्थिति है। ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट है यूरेटर, हिंदी में बोलेंगे मूत्र वाहिनियां, सहायक उत्सर्जन अंग। फर्स्ट तो देखो 1 2 नलिका नुमा है, दोनों इन दोनों के बीच में स्थित है। फर्स्ट आ जाएगा संख्या एक जोड़ी यानी दो, दूसरा है आकृति नलिकाकार ट्यूब लाइक। नेक्स्ट स्थिति यानी पोजीशन कहाँ है या लोकेट कहाँ है या सिचुएटेड कहाँ है, किडनी व यूरिनरी ब्लैडर के मध्य, के मध्य। नेक्स्ट है फंक्शन क्या है इसका, कार्य क्या है? कार्य है यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना। पहुंचाने में कैसे हेल्प होंगी क्योंकि यह पेशीय संरचना होती है, यह पेशीय मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पेशीय संरचना होती है। पेशियां हैं तो इसमें कर्माकुंचन गतियां होंगी। यह पेशीय संरचना होती है, यूरिन को आगे बढ़ाने के लिए यानी यूरिनरी ब्लेडर तक पहुंचाने के लिए कर्मानुकुंचन गतियां होती हैं, एक निश्चित क्रम में गतियां होती हैं। ये पेशियों की विशेषता है। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लेडर, देखो नाम से स्पष्ट है ब्लेडर नुमा है, फुटबॉल में आंतरिक सतह पर जो होता है उसी आकार की थैले नुमा संरचना है। तो पहला तो है शेप थैले नुमा यानी बैग लाइक असेनुमा। नेक्स्ट है लेयर स्तर, तीन है बाह्य यानी बाहर की ओर, मध्य और आंतरिक, एक्सटर्नल मिडल व इंटरनल। बाह्य को बोलेंगे सीरोसा, मध्य को बोलेंगे अरेखित पेशी स्तर, अगर धारियां या रेखाएं होती तो क्या बोल देते उन पेशियों को, रेखित पेशियां। आंतरिक है वो है श्लेष्मिक स्तर यानी म्यूकस पाया जाता है। नेक्स्ट है यूरिन की मात्रा 700 से 800 ml मिली बोल देंगे शॉर्ट में।
का संग्रहण, ये यूरिन इतनी मात्रा का संग्रहण करता है। कार्य भी यही है इसका कि यहां यूरिन का संग्रहण होता है। नेक्स्ट लास्ट है यूरेथ्रा, इसको बोलेंगे मूत्र मार्ग। देखो नाम से स्पष्ट है, पेसेज मार्ग यानी यूरिन निष्कासन का मार्ग है। पहला तो है सहायक उत्सर्जन अंग है, दूसरा अगर हम देखें संरचना, एक पतली नलिका के रूप में, ये वाला पार्ट है पतली नलिका के रूप में। फर्स्ट है शेप पतली नलिका के रूप में, थिन ट्यूब लाइक पहला, दूसरा है इसमें मूत्र मार्ग या मूत्र मार्ग पर अवरोधनी पेशी स्तर होता है, स्फिंक्टर मसल्स बोलेंगे, अवरोधनी पेशी स्तर उपस्थित होता है। कार्य क्या है, यूरिन को यूरिन के लिए एक बैरियर की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें कार्य, यूरिन का देह से निष्कासन, ये मुख्यतः मानव में उत्सर्जन अंग था, नर मनुष्य में अधिक होती है लंबाई, ध्यान रखना है, मादा मनुष्य में इसकी लंबाई कम होती है। So, thanks. Have a nice day.